था। जब कैसे गया था? अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा 220 वोल्टेज का इंडिकेटर, ये है इमरजेंसी पुश बटन जिसमें मेरा एम सी एलिमेंट लगा हुआ है, ये है मेरा स्टार्ट पुश बटन जिसमें मेरा एनओ लगा हुआ है। तो इसमें हमको पता करना है कि एक इंडिकेटर लगाने के लिए हम एक न्यूट्रल का कनेक्शन दिए इसके साथ, तो ये फेज का कनेक्शन इस पॉइंट पे एनओ या एन सी में कहाँ पे देंगे जिससे कि मेरा इंडिकेशन जलेगा जब मोटर ऑन करेंगे। तो इससे पहले देख लें कि यहाँ पे मेरा एनओ एलिमेंट है जिसमें आर और वाई दो केबल लाके आके कनेक्टेड है, और ये मेरा एन सी एलिमेंट है जिसमें एक ब्लू और एक ग्रे कलर का केबल कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे कि जो मेरा एनओ एलिमेंट है उसमें दो पॉइंट है, उसमें से जिस पॉइंट में नहीं जलेगा उस पॉइंट में कनेक्टेड करेंगे। अब इस साइड में देख रहे हैं तो मेरा जो है इंडिकेशन जल गया, एक साइड में इंडिकेशन जल गया, इसका मतलब है कि ये उसको छोड़ा के उससे अपोजिट दूसरा पॉइंट में देंगे, और जब दूसरा पॉइंट में देंगे और हम इसको ऑन करेंगे तब जलेगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इससे हमको पता चलेगा कि कैसे हम इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे। एक साइड देंगे, जिस साइड में मेरा बिना ऑन किए मोटर इंडिकेशन दिखाएगा उससे अपोजिट साइड कनेक्शन देंगे। थैंक यू।